और बड़ी खबर आपको हम बता दें अंबाला से, जहां पर नो हिंसा को लेकर गृह मंत्री अनिल विज का बड़ा बयान सामने आया है। जल्द ही नो हिंसा का सच सामने आएगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर बरसे गृह मंत्री अनिल विज, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को छुपने की जगह नहीं मिलेगी, ये तमाम बातें उनकी ओर से कही गई है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जल्द ही नो हिंसा का सच सामने आएगा, ये अनिल विज ने कहा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को छुपने की जगह तक नहीं मिलेगी, जल्द ही नो हिंसा का सच सामने आ जाएगा, ये तमाम बातें उनकी ओर से कही गई है। हमने तो कहीं नहीं कहा हम भाग रहे हैं, और बहुत जल्दी नो हिंसा का सच लोगों के सामने आएगा। फिर हुड्डा साहब को छुपने की, तो जल्दी नो हिंसा का सच सामने आएगा, ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर जमकर गृह मंत्री अनिल विज यहां पर बरसे। देखिए, इस पूरे मामले को लेकर वार पलटवार का सिलसिला अभी भी जारी है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने क्या कहा था वो भी हम आपको बताएंगे, जहां पर उन्होंने सवाल उठाए थे नो हिंसा की न्यायिक जान से भाग रही है सरकार, सरकार सही समय पर उचित कदम उठाने विफल रही है। तमाम बातें देखिए, नो हिंसा के बाद से लगातार जो नेता है एक दूसरे में आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। अब ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि क्या कुछ रहता है और क्या इस पर भी उनकी तरफ से कोई बयान सामने आता है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, अनिल विज की ओर से निशाना साधा गया है। तो क्या कुछ कहा उन्होंने, एक बार वो आपको सुनाते हैं। हमने तो कहीं नहीं कहा हम भाग रहे हैं, और बहुत जल्दी नो हिंसा का सच लोगों के सामने आएगा। फिर हुड्डा साहब को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। और बीजेपी से वीरेंद्र चौहान इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र जी, देखिए, नो हिंसा के बाद लगातार वार पलटवार का सिलसिला तो जारी है, लेकिन बीजेपी लगातार ये कह रही है कि एक सच है जो जल्द सामने आएगा। सबसे पहले तो आपसे वही सच हम जानना चाहते हैं, कौन सा वो सच है जो आप लोग जानते हैं लेकिन उसको आने के लिए हमें इंतजार करना होगा। देखिए, जो सच गृहमंत्री जी कह रहे हैं कि जल्द सामने आएगा, उस सच के लिए थोड़ा सा इंतजार सबको करना चाहिए। और सदन सामने आ रहा है, विधानसभा की का पटल पर जब इस विषय पे चर्चा होगी तो बहुत सारे ऐसे तथ्य नो हिंसा से जुड़े हुए हम सार्वजनिक पटल पर लेकर आएंगे सदन के माध्यम से, जिसके जिनको पचा पाना, जिनके सामने ठहर पाना कांग्रेस के लिए खास तौर पर बहुत मुश्किल होगा। कुछ चीजें नूह की वो सार्वजनिक हैं। नूह की हिंसा में हिंसक लोगों को शह देना, उनको बढ़ावा देना, ऐसी बोली बोलना जो हिंसा के लिए आतुर लोगों का हौसला बढ़ाती हो, ये सबको मालूम है कि कांग्रेस के विधायक इंजीनियर मामन खान उन्होंने विधानसभा के पटल पर बोली थी। जब उनको घेरा मीडिया ने तो उन्होंने यहां तक कहा कि ये मैंने क्या खास कह दिया। चौधरी इलियास भी तो यही कह रहे हैं, माने मामन खान सार्वजनिक बोले, इलियास का नाम ले देते हैं और उनके जो दूसरे और विधायक वहां पर तीसरे विधायक हैं वो भी कहीं पीछे नहीं है हिंसा करने वाले तत्वों को शरण देने में, उनका उत्साह बढ़ाने में। ये वहां पर मैदान में क्या कर रहे हैं, माने धरातल पर, ग्राउंड जीरो पर हिंसक लोगों के बचाव में खड़े हैं। हिंसा करने वालों को खुलेआम कह रहे हैं परवाह मत करना, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। तो इनकी सारी करतूतें वो सदन में जब आएंगी तो मुझे लगता है बिल्कुल सही कहा विज साहब ने कि छिपने के लिए जगह इनको नहीं मिलेगी। नूह के बारे में कुछ चीजें और समझने की हैं। नूह में जब से हरियाणा बना है लंबे अरसे तक वहां इन्हीं के विधायक रहे हैं, कांग्रेस के को प्रतिनिधित्व करने का उस इलाके का मौका मिला है। और वहां ऐसा कैसे हो गया पिछले 30-40 सालों में, 50 सालों में, कि नूह जो है उसके 100 गांव ऐसे हो गए जो हिंदू विहीन है। वहां का अल्पसंख्यक हिंदू वो भय के कारण पलायन कर गया। तो पूछा जाएगा इनसे कि भाई जब वहां आप चौधराहट कर रहे थे तो ऐसे तत्वों को संरक्षण क्यों दे रहे थे, कैसे दे रहे थे,
जिन्होंने वहां के अल्पसंख्यकों को इतना घोट दिया, घेर लिया कि वे अपना घर परिवार संपत्ति छोड़ करके वहां से पलायन कर गए। वीरेंद्र जी देखिए, जिस तरीके से कांग्रेस ये आरोप लगातार लगाती रही है कि बीजेपी को तमाम चीजों का पता था, इनपुट मिले थे, बावजूद इसके कहीं ना कहीं सुरक्षा कड़ी नहीं थी, और सारा सवाल जो है इस समय कांग्रेस उस पर उठा रही है और कह रही है कि कोई कार्रवाई नहीं की, बुलडोजर कार्रवाई हुई, और उसके बाद जिस तरीके से बिट्टू बजरंगी को गिरफ्तार किया गया है उसके बाद ये जरूरी हो जाता है, जिस तरीके से आपने कहा कि आने वाले विधानसभा सत्र में जो आपकी बात है, जो अभी आपने कही है, वो इस तरीके से रखें कि वाकई अगर कोई इसके पीछे सच छिपा है तो वो सच में सामने आना चाहिए। देखिए, एक बिट्टू बजरंगी का वीडियो जो देखने सुनने में किसी को अच्छा नहीं लग रहा, उस वीडियो को आधार बनाकर, या मोनू मानेसर का वीडियो जिसमें उसने कहा कि मैं भी वहां आऊंगा और ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए, कांग्रेस सारे का सारा दोष वो उन लोगों पर डाल रही है जिनको वहां घेर कर मारा गया, पीटा गया, गोलियां चलाई गई, जिन पर 6 लोग मारे गए जिस हिंसा में, उसके लिए दोषी लोग उनकी उनका कवच बनकर कांग्रेस खड़ी हो रही है। हिंसा करने वालों का पक्ष लेने के लिए मोनू की आड़ लेना, बिट्टू की आड़ लेना, जबकि उन्होंने इस तरह का कोई हिंसा वाला काम प्रत्यक्ष नहीं किया इस मामले में कहीं भी। कोई आदमी अगर सोशल मीडिया पर कोई आपत्तिजनक इस तरह का वीडियो डालता है तो क्या उसका बहाना बनाकर आप निर्दोष लोगों पर, निहत्थ लोगों पर, महिलाओं पर, बच्चों पर सुनियोजित हमला करेंगे? चलिए, आपकी राय है, बावजूद अभी जिस तरीके से बिट्टू बजरंगी को गिरफ्तार किया, इस बात को आप छोड़ दीजिए, लेकिन जो हिंसा करने वाले थे, जिन्होंने पत्थरबाजी की है या फिर जिनकी वजह से उन निर्दोषों की जान गई है, हमने देखा कि गाड़ी से उतार कर घेर कर लोगों को मारा गया है, कितने ही ऐसे नाम है, तो क्या उनका सच बीजेपी कामयाब हो पाएगी बाहर लाने में? पर जो भी दोषी है वो किसी भी रंग का हो, किसी भी उम्र का हो, किसी भी कुनबे का हो, किसी भी राजनीतिक रंग का क्यों ना हो, जो भी हिंसा का दोषी है, वहां इस वार्षिक जलाभिषेक यात्रा को, ब्रजमंडल यात्रा को डिस्टर्ब करने के लिए और वहां के अल्पसंख्यक समुदाय को डराने के लिए, उनके उनमें भय पैदा करने के लिए जिसने ये भी ये षड्यंत्र इतना बड़ा रचा है, एक एक व्यक्ति को पहचानेंगे और हिंसा के लिए उत्तरदायी लोगों को कड़ी बिल्कुल से कड़ी देखते सजा हैं, देखते हैं वीरेंद्र चौहान जी कि कांग्रेस इसमें कितना साथ देती है, क्योंकि लगातार कांग्रेस ये कहती है कि अल्पसंख्यक की हम आवाज बनते हैं, और नू में भी देखते हैं कि क्या अल्पसंख्यक की आवाज बन पाती है कांग्रेस सत्र में। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, ये तमाम आपने प्रतिक्रिया दी।